हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 26 जुलाई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे फ्रंट न्यूज दी गई है वो है, लद्दाख लेफ्ट आउट इन द कोल्ड 11 मंथ्स आफ्टर बिकमिंग ए यूनियन टेरिटरी। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो 5 अगस्त 2019 को दो यूटी बनाए थे, जम्मू एंड कश्मीर एंड जो है लद्दाख, किसको 370 और 35 को स्क्रैप करके, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जो डिपार्टमेंट है वो अंडर स्टाफ, यानी डिपार्टमेंट लद्दाख के बारे में पर्टिकुलर बात की गई है कि उन डिपार्टमेंट्स में या तो प्रॉपर स्टाफ नहीं है, रिक्रूटमेंट का एक कंफ्यूजन कि कौन उनको रिक्रूट करेगा, और इनकी डिपेंडेंसी अभी भी कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर पर है। आप लोग नीचे कमेंट करेंगे कि इस टाइम भारत के अंदर कितने यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्र है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें कई सारी चीजें हैं कि जो गेजेटेड पोस्ट होती हैं, जो लाइक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, वो पोस्ट जो है बहुत सारी वैकेंट वहां पर पड़ी है। इसके अलावा रिसेंटली नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 110 डॉक्टर्स को रिक्रूट किया गया था, जिनमें गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कई जगह से डॉक्टर रिक्रूट किए गए, जिनको 2,50,000 पर मंथ का पैकेज दिया गया, लेकिन उसके बावजूद केवल 15 डॉक्टर्स ने वहां पर ज्वाइनिंग करी है। ये अभी भी एक बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो होता था, देखिए लद्दाख का जो डिवीजन किया गया था, लद्दाख को यूटी बनाने के पीछे वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक सेपरेट जो है उनकी जॉब में प्रेफरेंस दी जानी चाहिए लद्दाखी लोगों को। तो यहाँ पर कौन रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी इस पर भी एक कंसर्न है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो प्रशासक कह सकते हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, लाइक स्टेट पीसीएस होता है यूटी और जम्मू कश्मीर के लिए, और यूपीएससी को भी जो है गजटेड वैकेंसीज को फुलफिल करने के बारे में काम करना चाहिए। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 400 पोस्ट जो है वो डिक्लेयर की गई थी जब ये डिवीजन हुआ था, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो स्टाफ है वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें और बहुत सारे जो स्टाफ, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, जल शक्ति, हायर एजुकेशन, ये स्टाफ ऑलमोस्ट खाली पड़े हैं या इन पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, स्टाफ बहुत ही कम है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उस केसेस में बहुत सारी पोस्ट वैकेंट पड़ी है, तो क्यों नहीं जो लद्दाखी लोग हैं उनको एजुकेशनल प्रेफरेंस के बेसिस पर रीजनल प्रेफरेंस दी जाए और इन पोस्ट को फुलफिल किया जाए। जो एस्पिरेशन, जो रिक्वायरमेंट थी जिस बेसिस पर लद्दाख को एज ए यूटी जो है बनाया गया था, तो उस बेसिस पर क्यों नहीं इन वैकेंसीज को फिल आउट की जाती, ये एक बड़ा कंसर्न है। तो लेट्स होप चीज़ें जल्द से जल्द रिसोल्व हो और स्टाफ एटलीस्ट पूरा होना चाहिए प्रॉपर मशीनरी को कंप्लीट करने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए। देखिए सेकंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की, इसके अंदर बताया गया कि इस्लामिक स्टेट, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में रहा था, और सीरिया एंड इराक उस रीजन में इसने बहुत सारी तबाही कह सकते हैं मचाई थी, और ये कंसर्न था कि भारत में भी इसकी एंट्री हो सकती है। तो यूएन रिपोर्ट ये बोलती है कि ये भारत के कर्नाटका और केरला के अंदर जो है इसकी एंट्री हो चुकी है, या कहीं ना कहीं वो प्रेजेंस है उसकी, फ्लैग्स का मतलब उसकी प्रेजेंस है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टेररिस्ट प्रेजेंट, यानी एक बड़ी संख्या में नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा जो है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है, इस तरह की चीज़ें। और क्योंकि ये रिपोर्ट यूएन ने रिलीज करी है तो इसको ऑथेंटिक भी माना जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि केरल एंड कर्नाटका के अंदर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी AQIS का नाम दिया गया, ये प्लान कर रहे हैं इस रीजन के अंदर टेरर अटैक करने के लिए। तो ये 26 रिपोर्ट थी एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेंक्शन मॉनिटरिंग टीम द्वारा, जो कंसर्न करती IS, अलकायदा, एसोसिएटेड इंडिविजुअल एंड एंटिटी, ये बेसिकली तालिबान के अंडर जो है ये अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और ये निमरज, हेलमंद और कंधार जो प्रोविंसेज है अफगानिस्तान में, यहाँ पर तालिबान की बड़ी संख्या में प्रेजेंस है। तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है। इन सब के अलावा बताया गया कि ऐसा नहीं कि केवल भारत में अटैक करने की प्लान कर रहे हैं,
ये ग्रुप जो है वो 150 से 200 के नंबर में है, और बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और पाकिस्तान, ये वही पाकिस्तान है जो जब भारत कहता है कि हमें एक कन्वेंशन चाहिए टेररिज्म पर, टेररिज्म के खिलाफ एक जॉइंट एक्शन होना चाहिए, तो पाकिस्तान अपने आप को वहाँ से पीछे करता है। तो अब जो पीछे करता तो वहाँ पर भी अटैक होगा। रिसेंटली हमने देखा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर अटैक हुआ, इससे पहले पेशावर पे के अंदर एक स्कूल में अटैक हुआ, तो कंटिन्यू वहाँ पर भी टेररिस्ट अटैक है। इन सब के अलावा देखो आईएस ने एक सिग्निफिकेंट यहाँ पर नाम दिया गया है, फॉर एग्जांपल विलाय ऑफ हिंद, ये अरबिक नाम है इंडो इंडियन प्रोविंसेस को। तो भारत सरकार, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन सबको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाए अगर कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। क्योंकि पेंडेमिक के दौरान हमारा जो फोकस है फिलहाल COVID-19 को क्योर करना है, बट नेशनल सिक्योरिटी और सभी जो होने चाहिए वो कोर एरिया के अंदर आएंगे, क्योंकि अब ये UN रिपोर्ट है तो गवर्नमेंट काफ़ी इस पर अलर्ट है। पेज नंबर 7 पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। देखिए राजस्थान के अंदर जो क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है पॉलिटिकल, तो उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर गवर्नर का रोल क्या होगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या बोलती है, उसको एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2016 की ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सबसे ऊपर अगर आप हेडिंग देखेंगे कि कैबिनेट का जो डिसीजन होगा, और ऐसी कैबिनेट जिसके पास नंबर है, ठीक है, वो डिसीजन जो गवर्नर साहब उन पर ये बाइंडिंग है उसको उनको मानना पड़ेगा। यहाँ पर कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि 2016 में जो जजमेंट आई थी वो बताते कि गवर्नर की जो पावर है वो केवल स्पेसिफिक एरियाज के अंदर ही है, उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया गया है। तो हमें, हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिकली 2016 में नेवम राबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश का एक केस था। 13 जुलाई 2016 को गवर्नर, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखिए 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आर्टिकल्स हैं उनके प्रोविजंस को डिफाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस की बेंच जो गठित करता है, इसमें 5, 7, 9, 11, 13 कितने भी जज हो सकते हैं, वो केस पे डिपेंड करता है केस कितना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशन यानी अपनी इच्छा से कुछ भी करने की पावर नहीं है, वो स्ट्रिक्टली अबाइड करता किस चीज़ को, एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट टू संबंध हाउस, यानी कैबिनेट अगर उसको सलाह देती है तो वो उसको मानने के लिए बाध्य है। किस चीज़ के लिए, कि वो हाउस यानी संबंध को बुलाए। लेकिन अब गवर्नर साहब क्या कह रहे थे इस मामले में, राजस्थान के मामले में, कि ये पूरा सिनेरियो, पूरा केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए वो फाइनल जजमेंट या फाइनल जो भी उनकी स्टेटमेंट होगी उनके बेसिस पर ही डिसीजन जो है वो लेंगे। तो राजस्थान के सीएम साहब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कॉल किया जाए और असेंबली सेशन हो फ्लोर टेस्ट के लिए, क्योंकि कई सारे रीजन होते हैं कि फ्लोर टेस्ट अगर डिले हो जाता है तो एक ये रहता है कि वहाँ के जो मेम्बर्स हैं असेंबली के वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकते हैं। इसको हॉर्स ट्रेडिंग बोल सकते हैं कि उनको खरीद फरोख्त MLAs की एक कंटिन्यू, अब ये डेमोक्रेसी का सबसे ख़राब दौर भी कह सकते हैं इस मामले में, कम से कम इस तरह की चीज़ें कई जगह देखने को मिली है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये केस हुआ था जब प्रेसिडेंट रूल और असेंबली सेशन को लेकर वहाँ के गवर्नर JP राजखोवा का डिसीजन आया था कि असेंबली सेशन को एडवांस कर दिया था, यानी असेंबली सेशन जब होना था उससे पहले ही उसको अनाउंस कर दिया। इससे एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट रूल की तरफ जो है शिफ्ट कर गई गवर्नमेंट को, तो ये कंसर्न पैदा हुआ था। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो बोलती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर गवर्नर की पावर जो है वो एक्सटेंडेड की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपनी मनमर्जी उसमें चलाएगा। इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताई गई है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया गया है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर कि किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर ऑफ गवर्नर एज कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर्मल हेड, स्टेट के हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव गवर्नर, ठीक है, तो इनके पास जो है
उनकी पावर को एनलार्ज नहीं किया जा सकता। जो रियल एग्जीक्यूटिव होती है यानी ये फॉर्मल हेड होते हैं, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको लेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 163 हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 163 है, इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द गवर्नर ए जनरल डिस्क्रिशनरी पावर, यानी उसको अपनी इच्छा से कुछ भी करने की पावर नहीं देता, अगेंस्ट और विदाउट द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर जो होते हैं उनकी परिषद की एडवाइस के बिना कुछ भी करने की पावर, या वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसकी कुछ कंडीशंस दी गई है। इसके अलावा गवर्नर किन कंडीशंस में स्वेच्छा से जो है डिसीजन ले सकता है अपनी कंसेंट से, तो उसमें बताया गया कि अगर कोई बिल है उसको होल्ड करना है, किसी बिल को कब परमिशन देनी है मतलब साइन करने, किसी बिल को कब जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रेफर करना है, ठीक है, इन इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर कब, जब या तो हंग असेंबली हो या ऐसी गवर्नमेंट हो जिन्होंने कॉन्फिडेंस जो है खो दिया हो असेंबली के अंदर लेकिन क्विट करने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें बताएगी, गवर्नर को अपनी पावर्स जो होती है वो लिमिटेड है और उसको एज पर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। और जो इस मामले में है, इस मामले में भी यही कहा गया कि उसको हाउस, उनको हाउस जो है वो जल्द से जल्द जो है बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कैबिनेट का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है। नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे कश्मीर सेफ्रोनाउज हैज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट। तो अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो आप नीचे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 अगर आप देखेंगे, इंडिया इनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू। ठीक है, ये इसका मैं आपको हिंदी वर्जन जो है वो भी दिखा देता हूँ। भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों को अनुपालन के लिए लागू किया गया। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आपके ऑप्शन है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंकटाड और डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इनमें से कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही है, तो उसके बारे में ये आपको कमेंट करना है। अब हम देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप इस टर्म्स को ही एनालिसिस करें तो ज्योग्राफिकल का मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में वो एरिया होगा, और इंडिकेशन का मतलब वो वहाँ पर केवल उसी एरिया के अंदर ही स्पेसिफिक होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को जो है उसका ट्रेड हो, चाहे वो उसके वैल्यूज है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं सरकार द्वारा। इसके तहत क्या होता है बेसिकली कि अगर हमें किसी को पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं तो उसके ट्रेड में, उसके आइडेंटिटी में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो कई ये कई सेगमेंट में दिए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉप्स हो सकती है, कोई आर्ट हो सकती है, कोई टेक्सटाइल लाइक बनारसी साड़ी है, कोई फूड आइटम हो सकते हैं लाइक तिरुपति लड्डू है। तो इस तरीके के अलग अलग सेगमेंट में दिया जाता है। और यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो है ये जिसको जाफरान भी बोलते हैं, या कश्मीर वैली के अंदर ही ये सेफ्रोन या केसर जो है उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ की जो क्लाइमेट है वो सूट करती है इसकी खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। देखिए किसी भी कल्टीवेशन, किसी भी एग्रीकल्चर के लिए पर्टिकुलर ज्योग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब वहाँ के गवर्नर जो है जीसी मुर्मू, उन्होंने कहा है कि सेफ्रोन, ये जो कश्मीर वैली के अंदर सेफ्रोन हम पैदा करते थे, ये इसको वर्ल्ड मैप में एक ऑथेंटिसिटी मिलेगी और एक आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करने में और वहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उनको उसके प्राइस अच्छे इसके तहत जो है मिलेंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, एक आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड हो जाती किसी भी प्रोडक्ट को। इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, देखिए साउथ चाइना सी और चाइना, ये दोनों ही इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो हमसे हो सकता है ज्योग्राफी के बेसिस पर कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएं, और उन सब के लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। तो इसके बारे में यहाँ पर न्यूज़ आई है
कि ऑस्ट्रेलिया ने चाइना का जो क्लेम था कि साउथ चाइना सी जो है वो चाइना का है, तो उस क्लेम को रिजेक्ट किया है। अब इस रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, पर्टिकुलर अगर क्या होता है, किसी एरिया पर कोई क्लेम करती कंट्री और दूसरी कंट्री उसको एक्सेप्ट कर लेती तो वो उसी का ही मान लिया जाता है। लेकिन अगर बहुत सारी कंट्री उसके अगेंस्ट है, रिसेंटली हम कई सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, साउथ चाइना सी पर कोई भी कंट्री जो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी जनरली। रीजन क्या है कि ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिशरी हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे स्ट्रेटजिकल हो, चाहे ये ट्रेड बहुत ज़्यादा यहाँ से होता है, ठीक है। तो और इसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का इनके साथ जब COVID-19 हुआ उसके बाद से कंटिन्यू यहाँ पर डिस्प्यूट यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले थ्रीट करने की कोशिश कर रहा था चाइना कि आप हमारे इस मैटर्स में ना इन्वॉल्व हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारी कंट्रीज का सपोर्ट इसमें है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली जो है उसने अपने डिफेंस को मॉडर्नाइजेशन करने पर भी डिसीजन लिया था। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या डिसीजन लिया है कि जो टेरिटोरियल क्लेम करते हैं या मेरिटाइम क्लेम जो है साउथ चाइना सी पर करता है चाइना, उसको वो मान्यता नहीं देता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के तहत उन्होंने इस पे कोई लीगल बेसिस नहीं है, या आप जो क्लेम करते हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है। ये सारे के सारे क्लेम जो है वो बेसलेस है। रिसेंटली आशियन कंट्रीज ने भी कहा था कि आपके जो क्लेम हैं चाइना के वो बिल्कुल बेसलेस, उनका कोई भी लॉजिक नहीं है। बीजिंग क्या कहता है कि 1940 से ये जो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी है वो हमारे अंडर है, ये हमारे हिस्से टेरिटरी के अंदर आता है। इसके अलावा एक 1940 में जिसको सो कॉल्ड ये लाइन भी काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 9-dash लाइन क्या है? ये एक आर्टिफिशियल लाइन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई लाइन एग्जैक्टली वो नहीं करती, लेकिन एक ऐसे अगर हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ये लाइन अगर हम खींच देते हैं तो ये उसको 9-dash लाइन बोलेगा। और इस लाइन के का मतलब क्या होता है कि अगर ये एरिया चाइना के अंडर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ से जो शिप्स होंगे या यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज होंगी, उनके लिए हमें चाइना के साइन या चाइना की परमिशन चाहिए, चाहे वो यहाँ का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो, ठीक है, या पर्टिकुलर जो सी एरिया है ये इसके अंडर आ जाएगा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, कंसर्न है। तो पेंडेमिक के दौरान इस प्रकार जो जॉइंट एफर्ट हुए, यूएस ने इससे पहले जो है मना, उसको जो है कहा था कि किसी भी प्रकार की जो चीज़ें कर रहा जाए ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है और वो उसके अधीन नहीं आता। तो इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक अलग तरह की जो हम देख रहे हैं रिवीजन या अलग तरह की चीज़ें कंटिन्यू जो है वो हो रही हैं। तो लेट्स होप चीज़ें काफ़ी रिसोल्व हो और चाइना का जो एग्रेशन है, जो अपने आप में वो हर टेरिटरी पर क्लेम करता है, उसके खिलाफ जॉइंट एफर्ट होने चाहिए। इसके बाद बिजनेस सेक्शन में दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत का जो मानसून के अंदर जो हम फसल जो उगाते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि हमारी जो मानसून क्रॉप्स है या मानसून जो है वो काफ़ी अच्छी इस बार है, और उसका ही रिजल्ट है कि जो हमारा राइस जिसमें हम ग्रोथ करते हैं, राइस जो उगाते हैं, वो 18.7 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 22 मिलियन हेक्टेयर हमने उसमें उगाया है खेत के अंदर, या वो फसल जो है वो लगाई है। भारत जो है वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है फार्म गुड्स के मामले में, जो आइटम्स हम पैदा करते हैं। इनके अलावा यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे कि जो खरीफ की क्रॉप्स कौन कौन सी है, क्योंकि अब ये जो सीजन है ये खरीफ का सीजन है, ठीक है, खरीफ, रवि, जायद, ये मेजर क्रॉप सीजन्स होते हैं। तो इसके अंदर राइस, कॉर्न मतलब मक्का, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, गन्ना, पीनट्स जो होती है, मूंगफली, ये जो है ये क्रॉप्स यहाँ पर लगाई जाती है, और जब विंटर आएगा तब इनको जो है वो बेसिकली तैयार हो जाती है फसल। विंटर का जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर हमारी लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो काम करती है, और हालांकि यहाँ पर अभी भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर GDP का बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत बड़ी इंडिया की यहाँ पर देखने को मिलती है।
इसी से कई सारी चीज़ें रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी फसल जो है वो ज़्यादा हम लगाएंगे अपने खेत में तो प्रोडक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। और जो हमने बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रखी है, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है या हम जो सेल्फ रिलायंट इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे फूड प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। तो ये एक सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया एंड यूके, यानी भारत और इंग्लैंड जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कंटिन्यू नेगोशिएट कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये ऐसा नहीं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कोई टैरिफ या कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो बैरियर्स हटा दिए जाते हैं, यानी टैक्स जो होगा वो सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रेड जो है स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो दोनों कंट्री के जो जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है वो पीयूष गोयल और यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एलिजाबेथ ट्रूज, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनके अलावा हमारे स्टेट मिनिस्टर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और दोनों कंट्री इस मामले में एग्री करते हैं कि वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कंटिन्यू बातचीत करेंगे और जो भी इश्यूज हैं, कंसर्न हैं, उनको रिसोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें एक पॉजिटिव साइन जो है वो दिखाई देता है। लेट्स होप कि सब कुछ हमारे फेवर में हो, सब कुछ इन द फेवर इन द सेंस कि दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप, खासकर ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो बूस्टअप करें। यूके के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने अभी ईयू से अपने आप को निकाला है, और दूसरा भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लास्ट न्यूज हम पढ़ेंगे द कॉन्फ्लुएंस ऑफ फोर पावर्स एंड टू सीज। ये इसका मतलब क्या है? फोर पावर्स में यहाँ पर अगर आप ये सीप्स देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे, सबसे पहले इंडिया का फ्लैग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये सारी की चार कंट्रियों के बारे में डिस्कशन किया गया है। टू सीज का मतलब क्या है? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ों के बारे में बात की हमने। पिछले वीक, इसी वीक पढ़ा कि भारत सरकार को ये डिसीजन लेना है कि क्या ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज जो होती है उसमें उसको इंक्लूड करना चाहता है या नहीं करना चाहता। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसका के अंदर ये प्रपोजल पेंडिंग पड़ा है, तो लेट्स होप क्या इसमें डिसीजन होता है। तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 1992 में स्टार्ट हुई थी दोनों यूएस और इंडिया के बीच, 2015 में इसमें जापान इंक्लूड हुआ और ऑस्ट्रेलिया इसमें कंटिन्यू चाहता है कि वो इसका हिस्सा बने, लेकिन भारत सरकार जो है वो चाइना की एग्रेशन की वजह से, बहुत सारी वजह से जो है इसमें जो है वो पार्टिसिपेट या ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल उसने नहीं किया था। तो इन पूरे सिनेरियो को समझा गया कि क्या कंसर्न है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है इसको लेकर। तो यहाँ पर बताया गया कि एग्रेसिव चाइना ऑन वन साइड और दूसरी ओर भारत इंडो पैसिफिक मैरिटाइम अलायंस बना सकता या नहीं बना सकता। सबसे बड़ा जो हमारे लिए कंसर्न है कि भारत कभी भी किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं रहा, और भारत के प्रधानमंत्री 2018 में ये बात बोल चुके कि भारत, अगर मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं एग्जैक्टली, इन 2018 एट द सांगरीला डायलॉग, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड सेड दैट इंडिया सीज द इंडो पैसिफिक एज ए ज्योग्राफिकल कंसेप्ट नॉट ए स्ट्रेटजी और ए क्लब लिमिटेड मेंबर। इसका मतलब है कि वो कोई इसमें मिलिट्री अलायंस इस तरह की चीज़ों के अंदर या उसको एक लिमिटेड परस्पेक्टिव में नहीं देखता। ठीक है, आप लोगों को नीचे कमेंट करना कि ये सांगरीला डायलॉग का मतलब क्या है, या आप गूगल करिए, यूट्यूब करिए, लेकिन इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करिए। तो अब बात करते हैं क्वाड यानी चार कंट्री का जो ओरिजिनली बोरन कैसे हुआ उनका ग्रुप के बारे में। 2014 के अंदर इस रीजन के अंदर सुनामी आती है, ठीक है, उसके बाद एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर भारत सरकार ने अपना रेस्क्यू मिशन शुरू किया। यूएस और ऑस्ट्रेलिया उसमें, उनकी नेवीज ने उसमें काम करना शुरू किया। ये जो है यूएन के अंडर था, लेकिन उसके बाद जो है एक स्ट्रेटजिकल कम्युनिटी, ये चार कंट्री अपने आप को वहाँ से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। इन सब के अलावा जो है वो पैरेलल एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिली यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान की इन द फिलीपींस सी। इसके अलावा इंडिया यूएस की नेवल एक्सरसाइज हुई रिसेंटली, और इन सब से
अब ये आइडिया लग रहा है कि जल्द ही भारत जो है क्वाड्रिलेटरल यानी चार कंट्रियों के एक्सरसाइज जो है लॉन्च कर सकता है या ऑस्ट्रेलिया उसके अंदर इंक्लूड कर सकता है। अब पूरा डिसीजन जो है न्यू दिल्ली यानी भारत सरकार को लेना है कि क्या ऑस्ट्रेलिया उसके अंदर शामिल हो या ना हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हमारे कंसर्न क्या है कि ओपोजिशन छोड़ दीजिए या दूसरी कंट्री छोड़ दीजिए, भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ये कहते हैं कि भारत कभी भी किसी भी इसी ऐसे अलायंस के बारे में या ऐसे अलायंस में शामिल नहीं रहा है, तो ये भारत शायद इसमें इंक्लूड ना करे ऑस्ट्रेलिया को, और कर भी सकता अलग अलग कंडीशंस है। तो यहाँ पर कई सारे चीज़ें बताई गई है कि देखिए अगर हम शामिल करते हैं ऑस्ट्रेलिया को तो भारत को, भारत के साथ कंसर्न ये है कि इन्हीं चार कंट्रियों में से केवल भारत ऐसा जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और हमारा जो बाउंड्री पर इशू है डिस्प्यूटेड है वो अभी भी हम उसमें डिसएंगेजमेंट में प्रोसेस में है। इनके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया एक स्ट्रेटजिकल मेंबर भी है कई फॉर्म में चाइना के साथ, जिसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अलावा जिसके अंदर चाइना, रशिया और सेंट्रल एशिया है, भारत और पाकिस्तान भी इसके अंदर इंक्लूड है। ब्रिक्स कंट्री हैं, RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना है, तो अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और अगर ये भारत इसमें शामिल होता तो इन सारे ग्रुप्स पर भी उसका नेगेटिव असर जो है वो पड़ सकता है। इसके अलावा रिसेंटली हमने देखा LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारा चाइना के साथ एक क्लैश वहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उस पर अभी रिसोल्व करने पर कंटिन्यू हम बात कर रहे हैं। 2014 की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक डिजास्टर हुआ और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर भारत सरकार ने मदद करी, चाहे वो मालदीव की हो, इंडोनेशिया की हो, श्रीलंका की हो, और बहुत सारे ट्रूप्स जो है उसमें शामिल हुए। US, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने भी इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लेकिन विशाखापट्टनम के अंदर हमने पीछे देखा कि कई सारे नेवी के एक्सरसाइज की गई, तो इसको चाइना और रशिया, देखिए दो इम्पोर्टेंट वर्ड याद रखिए, चाइना और रशिया जो है वो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि ये एक अटेम्प्ट है आशियन नाटो बनाने का, यानी एक ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ठीक है। तो अगर चाइना और रशिया, क्योंकि इंडिया अगर इस प्रकार के अलायंस में शामिल होता है तो शायद हम रशिया से जो हमारी फ्रेंडशिप है उसमें भी एक सेटबैक देखने को मिल सकता है। इन सब के अलावा चाइना कंटिन्यू अपनी नेवी का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के पास अल्टरनेट क्या है, फॉर एग्जांपल चाइना ने अपने स्तर पर एक बड़ा जो इनिशिएटिव है बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का बोलते हैं, जिसके तहत वो बहुत सारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहता है, और उन्होंने उसको लोन भी प्रोवाइड किया उन कंट्रीज को, ठीक है। भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम डिस्कस करें कनेक्टिविटी पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, काउंटर टेररिज्म पर, नॉन प्रोलिफरेशन पर, मैरिटाइम एंड साइबर सिक्योरिटी पर, ताकि इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी को हम लोग बढ़ावा दे सके, ठीक है। इन सब के अलावा भारत सरकार जो है वो, भारत और जापान मिलकर कई सारे रीजन में, कई सारी कंट्री में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार है, ठीक है। इन सब के अलावा भारत का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया को इसके अंदर इंक्लूड करेगा, नहीं करेगा, क्या भारत जो है रशिया जैसी कंट्री को भी इसके अंदर इन्वाइट करेगा, या मल्टी अलाइनमेंट की जो बात करते हैं खासकर मिडिल पावर्स लाइक EU है, UK है, फ्रांस, रशिया, पार्टनर्स सच एज ब्राज़ील, UAE, साउथ अफ्रीका, इनको अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड करेगा, नहीं करेगा, ये सारी की सारी कंसर्न जो है वो इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि देखिए क्वाड एक कंसेप्ट तो है, लेकिन भारत के सामने दो सबसे बड़े कंसर्न है कि भारत कभी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहा है, और दूसरा कंसर्न क्या है कि अगर भारत इसको, ऑस्ट्रेलिया को इसके अंदर शामिल करता है तो हम चाइना और रशिया के साथ जो हमारे रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्टेड हो सकते हैं। तो उन सारे कंसर्न के साथ हमें कई सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, और क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जो इन चार कंट्रीज़ में से जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और हमारा बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट है वो बहुत पुराना है चाइना के साथ, उन सब को देखते हुए गवर्नमेंट को पीसफुली और
जो है बड़े एनालिटिकल अप्रोच के साथ डिसीजन लेना होगा यहाँ पे। तो लेट्स होप सब चीज़ें नॉर्मल हो, सब चीज़ें अच्छी हो। थैंक यू ऑल। आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी दिया गया। थैंक यू ऑल। जय हिंद।